अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल अंडा मसाला, जिसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। ये बॉयल एग है, इसका रेशो हमें अच्छे से याद रखना है। हमने जितनी प्याज ली है उतना ही हमें टमाटो लेना है। ये मैंने 2 प्याज ले ली है मोटा चॉप करके, और ये 2 टमाटो प्यूरी ली है, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता और 4 लौंग ली है। ये 1/2 कटोरी मैंने कोरिएंडर चॉप किया लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। सबसे पहले हमें अंडों को फ्राई करना है, जिसके लिए हम अंडे को ये फॉक की मदद से इसमें छेद कर देंगे। ये इस तरीके से हमें इसमें छेद करना है, ताकि जब हम अंडों को फ्राई करें तो वो अंदर तक फ्राई हो जाए और हमारी ग्रेवी का मसाला भी उसके अंदर तक जाए। तो सभी अंडों को आपको फोक की मदद से इस तरह से सब में छेद कर देना है। मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम अंडे ऐड करेंगे। अंडों को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है अच्छे से। आप कढ़ाई को ऐसे हिलाते हुए भी फ्राई कर सकते हैं अंडों को। तो ये देखिए, अंडे हमारे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं हर तरफ से। अब हम इनको निकाल लेंगे। अंडों को हमने निकाल लिया है, अब उसी तेल में खड़े मसाले ऐड कर देंगे जो हमने लिए थे। प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से हमें भूनना है। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची हमारी भून चुकी, टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटो प्यूरी को अच्छे से भून लेंगे। जब तेल ऊपर आ जाएगा तब समझ जाइए आपकी टमाटो प्यूरी भून चुकी। ये देखिए, तेल ऊपर आ चुका है। ये मसाले ऐड कर देंगे इसमें, अब इनको भून लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास अंडा मसाला है रेडीमेड तो इस टाइम आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तेल हमारा ऊपर आ चुका है, मसाले हमारे भून चुके हैं। इनको थोड़ा सा कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। दो तीन मिनट हो चुके, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका। इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी।
ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हम मसाला बना रहे हैं, थिक ग्रेवी बनाने वाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब हम इसको कवर कर देंगे, उबाल आ चुका है इसमें, इसको हम कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारे मसाले, पानी और अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए 6 मिनट हो चुके, हमारा मसाला रेडी हो चुका है, पानी भी हमारे मसाले का सूख चुका है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारा अंडा करी मसाला रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फूड विद आफिया को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो हमने ये जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए और हरा धनिया चॉप किया था उसको ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट ढाबा स्टाइल हमारा अंडा मसाला रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। इसको हम लीड से कवर कर देंगे और थोड़ा सा 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाले अंडे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए 3 मिनट हो चुके, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा रेडी है अंडा मसाला ढाबा स्टाइल। ग्रेवी देखिए आप कितनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल ढाबे की तरह। बस इसी तरह की ग्रेवी चाहिए हमको, ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए डिश आउट कर लिया है हमने, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर रेडी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो फिर मैं आपसे